वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करम ध्रुव ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज ही दिनों के बाद आज हम फिर से बकरी चराने के लिए आए हुए हैं। इधर देखेंगे हमारे दोस्त लोग हैं अक्ति यादव और इधर बच्चा गैंग लोग हैं। सब लोग हाय कर दो बच्चे लोग। हाय हाय। ठीक है, तो ये सारे लोग जो हैं आज के हमारे साथी लोग हैं और हम इधर बकरी चराने के लिए आए हुए हैं। इधर ढेर सारा हम लोग का बकरी जो है इधर चर रही है। अभी जो है गर्मी का मौसम है, लेकिन हमारे इधर अभी खेती उती नहीं है, लेकिन फिर भी से बकरी को चराना पड़ता है क्योंकि हमारे गांव के जो भी आवारे कुत्ते लोग हैं उन लोग बकरी लोग को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से जो है बकरी लोग को चराना पड़ता है। चराना कुछ नहीं है, बस पीछे पीछे जहाँ बकरी जा रही है उसके पीछे पीछे जाना होता है और जब उसका पेट भर जाती है तो अपने आप वो घर की तरफ चल देती है। वैसी सिंपल सी चरा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारे बच्चे लोग। अभी बकरी लोग को भी आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चे लोग जो है काफ़ी शिकारी करते हैं। इनका बंदूक दिखाओ, बंदूक तुम्हारा ये देखो, बंदूक गुरेल जो बोलते हैं हम लोग, आप लोग क्या बोलते हो? ठीक है, गोरहा गोटी, देसी लैंग्वेज में बोला जाए तो गोरहा गोटी। तुम्हारा भी है दिखा? नहीं है। इसका भी है? नहीं है। तो ये बच्चे लोग जो है काफी मतलब शिकार करते हैं। इधर आ। तो मतलब छोटे छोटे जैसे पंछी हो गया, टेडगे हो जाए, ये सब चीज को मारते हैं ये लोग। ठीक है, आम अभी आम सब है, आम उनको मार सकते हो। तो भाई शिकार करना है तो बड़े बड़े जंगली जानवर का करो, आग भालू ये सारा चीज शिकार करो। छोटा छोटा जैसे वो देखो चिड़िया दिखा रहे, ये देखो वो पंछी उंछी नहीं मारना। ठीक है, नहीं मारना। ठीक है, हमारे प्राकृतिक के साथी हैं वो ना। ठीक, आप लोगों को हमारे जो पूरे साथी लोग से मिलाया। ठीक है, ये बंदा जो बोल नहीं पाता इसको अभी मिला रहे हैं। ठीक है, काफ़ी दुख लगता है कि भाई हमको हम हो गए ये हो गए सारे लोग को बोलने के लिए जुबान है, लेकिन ये भाई जो हैं ये बोल नहीं पाते। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन रखना चाहता हूँ आप लोग के बीच कि जैसे ये गूंगा है, गूंगा होने का मेन कारण क्या हो सकता है? मेरा एक सोच है, इन लोग जो हैं जो गूंगे होते हैं वो बचपन से ही मतलब भैरे होते हैं, वो किसी चीज़ को सुनते नहीं हैं। हम अभी कैमरे के सामने हम कुछ बातें कर रहे हैं लेकिन इसके कान तक जो है ये सुनाई नहीं पड़ रही है, जिसकी वजह से हम क्या बोल रहे हैं इसको ये समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से जो है ये अपना बोल नहीं पाते। इनका जीभ मुँह सेम हम लोग के जैसे ही है, लेकिन इनका मेन कारण ये है मेरे को लगता है कि ये जो बचपन से ही मतलब भैरे होते हैं, जैसे ये रास्ते में अपने गांव में ही रास्ते पे जाते रहते हैं, पीछे तरफ से बाइक वगैरह या कुछ भी कार वूर से हॉर्न कितना भी ज़ोर से हॉर्न बजा लो इनको सुनाई नहीं पड़ता। जैसे हम बचपन में अशनार आशियाम पढ़े हैं तो उस पढ़ने के दौरान जो है हम गुरुजी के मुँह के आवाज़ को जो हम कानों तक सुनते हैं अब उसको दिमाग में बैठाते हैं कि आशियानार बोल रहा है, आशियाम बोल रहा है करके। तो ये मेरे को लगता है कि ये जो है कानों तक सुन नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये बोल नहीं पाते। किसी ने मेरे को बताया था कि गूंगे लोग जो हैं वो जुबान के गूंगे नहीं होते, उनके कान जो है वो भैरे होते हैं, किसी चीज़ को वो सुन नहीं पाते जिसकी वजह से वो जो गूंगे बोलते हैं करके, ऐसा मैं सुना था, किसी ने मेरे को कहा था, जिसलिए जो है ये सवाल जो है आप लोग के साथ रख रहा हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा, अपना अपना फीडबैक दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं, वीडियो को करते हैं पेंट। आई होप वीडियो पसंद आई, लाइक करना, चैनल पे जो भी भाई नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटा दबाना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।